बता दें कि अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें दोनों ही नेता कुल 5 समझौते पर आगे बढ़ने को राजी हुए हैं। दोनों नेताओं ने अपने संयुक्त संबोधन में रक्षा, आर्थिक सहयोग, इंटेलिजेंट ट्रांसफर और कृषि जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने की बात स्वीकारी है। हालांकि रक्षा क्षेत्र में दोनों नेताओं के बीच हुई डील बेहद अहम मानी जा रही है और दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे के साथ इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कुल 5 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आने वाले दिनों में भारत अमेरिका एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पहले समझौते में अमेरिका भारत की HAL कंपनी को तकनीकी ट्रांसफर करेगी और इन जेट इंजन के निर्माण में मदद करेगी। दूसरे समझौते के मुताबिक दोनों देश M770 लाइट हेविटजर तोपों को अपग्रेड करने पर काम करेंगे और तीसरे समझौते के मुताबिक दोनों देश स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों का साझा उत्पादन करेंगे और जिसमें से ज्यादातर का उत्पादन भारत में किए जाने की संभावना जताई जा रही है। और चौथे समझौते के मुताबिक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को दिए जाएंगे, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकेंगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केके राणा सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केके राणा, अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कई डीलों पर मोहर लगी है। बिल्कुल, देखिए सत्यम, सबसे पहली बात तो हमें 3 चीजों को समझना होगा कि इस जो समझौते हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी इस दौरे में, उसमें सरहदों को सुरक्षित किया जाएगा, उसमें सेना को सशक्त किया जाएगा और विज्ञान को समृद्ध किया जाएगा। इसी के तहत ये समझौते हुए हैं, जिनमें सबसे पहले तो फाइटर जेट के जो इंजन बनाए जाएंगे वो हिंदुस्तान में उसका प्लांट लगाने की बात की जा रही है, उसका समझौता किया गया। अंतरिक्ष में भारत की साझेदारी बढ़ेगी, यानी कि मंगल और चंद्रमा जैसी जगह पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, यानी कि इंसान को भेजकर वहां रिसर्च कराने को लेकर, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस में भेजा जाएगा, स्टेशन स्पेस में भेजा जाएगा, इसको लेकर भी समझौता किया गया, यानी कि नासा और इसरो मिलकर काम करेंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी पर एक समझौता किया गया है, जिसमें कि दोनों देशों की जो टेक्नोलॉजी है उसको साझा भी किया जाएगा, इनोवेटिव तरीके से नई टेक्नोलॉजी को पर रिसर्च की जाएगी, इनोवेशन किए जाएंगे और उनको एक दूसरे के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही ड्रोन्स, 31 ड्रोन्स को लेकर, हथियारबंद ड्रोन्स को लेकर भी समझौता किया गया है, जिसमें सबसे अहम यह है कि चीन और पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उन पर अच्छे तरीके से हम नजर रख सकेंगे। हिंद महासागर पर जो चीन की लगातार हरकतें देखी जाती हैं, उनमें भारत और पाकिस्तान और अमेरिका, साथ ही अमेरिका और हिंदुस्तान आसानी से नजर रख सकेगा कि आखिर चीन की हरकतें है क्या कुछ। ये एक सबसे बड़ा फायदा उस ड्रोन्स के मिल जाने से होगा, 31 ड्रोन्स हिंदुस्तान को दिए जाएंगे। ऐसे ही सबसे बड़ी बात निसार की शुरुआत में ही, यानी कि इस साल की शुरुआत में ही निसार को दिया गया अमेरिका के द्वारा, और निसार एक ऐसा यंत्र है, ऐसा सैटेलाइट है, जिसके द्वारा किसी भी आपदा के आने से पहले उसके सूचना मिलेगी, उसके कारणों का भी पता लगेगा, ताकि उन कारणों पर काम किया जा सके और उसको रोका जा सके। उसका अभी तक लॉन्चिंग नहीं हुई है, जो अभी श्री हरिकोटा से उसकी लॉन्चिंग की जाएगी। और सबसे अहम इसमें यह है कि AI को लेकर भी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा, दोनों देश मिलकर एक साथ काम करेंगे ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम किया जा सके और जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसको आगे की तरफ बढ़ाया जा सके, बेहतर किया जा सके, ताकि उसकी समृद्धि में आगे कदम बढ़ाए जाए। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसको अहम इसीलिए माना गया। और उसी के साथ जिस तरह से एलन मस्क के साथ उनकी बातचीत हुई, बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि टेस्ला का प्लांट भी इंडिया में लगाया जाएगा, वहां से उसकी शुरुआत की जाएगी। सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक कंपनी जो भारत में निवेश करने की बात करती हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के समय पर और हिंदुस्तान में अपने निवेश को लेकर इच्छुक हो, अपनी इच्छा जताती हो, यह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है और बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। उसी के साथ जो ये 5 डील फाइनल हुई है, जिनमें अंतरिक्ष को लेकर, फाइटर जेट के इंजन को लेकर, जिसमें HAL के साथ मिलकर काम किया जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान HAL के साथ काम करेगा और अमेरिकी की कंपनी के साथ काम करेगा, जिससे जो तेजस है, तेजस का जो MKII है, उसको नए इंजन दिए जाएंगे और उसी के लिए इंजन बनाए जाएंगे, हल्के होंगे,
तेज गति के साथ होंगे और किसी भी दुश्मन पर सटीक वार करने के लिए सक्षम होंगे ये। ऐसे में अगर उनको अमेरिका से खरीदकर हिंदुस्तान लाया जाता है तो आयात करने में खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन अगर उसका प्लांट इंडिया में लगता है और इंडिया में ही उनको बनाया जाता है तो उसका खर्चा कम होगा। कंपनी इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, सरकार उसको सुविधाएं देगी जैसे कि जमीन देगी, इंजीनियर्स देगी और अन्य वर्कर्स देगी, वो सारे काम वो सारी सुविधाएं सरकार देगी, यानी कि हिंदुस्तान की सरकार देगी। और उसके बाद जो कंपनी है वो इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देगी, उनको ट्रेंड करेगी और उसके बाद फाइटर जेट के इंजन बनाए जाएंगे, तेजस MK 2 को ये इंजन प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे तेजस की जो गति है वो बढ़ेगी। और ये तमाम फायदे हैं, इससे सेना सशक्त भी होगी, सेना को मजबूती मिलेगी और सरहदें हमारी सुरक्षित होंगी और जिससे हिंदुस्तान की तरफ पाकिस्तान और चीन को नजर उठाने से पहले कई बार सोचना होगा जब इस तरह की तकनीक हिंदुस्तान के पास होगी। सत्यम के राणा, जिस तरीके से बड़ी डीलें हुई हैं इससे कहीं ना कहीं जो चीन है और इसके साथ पाकिस्तान है जो लगातार गलत नजर भारत पर बनाए रहते हैं, इनकी टेंशनें कहीं ना कहीं अब बढ़ गई हैं। बिल्कुल, देखिए टेंशन बढ़नी बड़ी लाजमी है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, दोनों के टेंशन का बढ़ना लाजमी है क्योंकि इस तरह की डील अगर होती है, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर पहुंचे तो पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आता है और पाकिस्तान कहता है कि ये दौरा पाकिस्तान के अहित में नहीं होना चाहिए वरना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में उसका अहित जरूरी है क्योंकि अगर वो आतंकवाद का समर्थन करता है, अगर वो इस तरह की नापाक हरकतों का समर्थन करता है और नापाक हरकतें करता है तो ये दौरा पूरी तरीके से पूर्ण रूप से चीन और पाकिस्तान के अहित में है। इस बात को पाकिस्तान को कान खोल कर सुन लेना चाहिए और पाकिस्तान को इस बात को गांठ भी बांध लेना चाहिए कि ये उसके अहित में है क्योंकि आतंकवाद पर करारा प्रहार होगा, पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत पर करारा प्रहार होगा। और जिस तरह से हिंदुस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो 31 हथियारबंद ड्रोन्स मिल रहे हैं जिससे पाकिस्तान की एक एक नापाक हरकत पर नजर रखी जा सकेगी, अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों बड़ी आसानी से नजर रखेंगे, चीन जो हिंद महासागर पर लगातार अपनी नापाक हरकत दिखाता है उस पर नजर रखी जा सकेगी और मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। फाइटर जेट के इंजन अगर हिंदुस्तान में बनते हैं और तेजस MK 2 को अगर गति मिलती है, अच्छा इंजन मिलता है, हल्का इंजन मिलता है और उसकी पावर अगर ज्यादा मिलती है तो जो दुश्मन है हिंदुस्तान के उनके ठिकानों पर बड़ी आसानी से वार किया जा सकता है, सटीक वार किया जा सकता है, निश्चित नाबूद उनको किया जा सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को डरने की जरूरत है और जो डरता हुआ नजर भी आ रहा है अपने बयानों में, चीन को डरने की जरूरत है और जो उसको भी जब ये सारी चीजें रूटीन में आ जाएंगी, जब ये सारी चीजें का जो प्लान है वो शुरू हो जाएगा, जब एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद चीन को भी डर लगना लाजमी होगा। सत्यम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका के राणा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।